हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर निशा दिनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एट खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट एंटीबॉडीज़ एंड इट्स टाइप। सो व्हाट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ बिलोंग्स टू अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज़ इज प्रोड्यूस्ड इन एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंटीजन। जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है, मींस फॉरेन पार्टिकल मींस बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एंड जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ब्लड में, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़ में, सिक्रीशंस में एंड एक्सक्रीशन में। एंड द सिक्रीटेड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़ इज़ नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लासेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर क्लासिफाइड इंटू फाइव क्लासेज। फर्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए, डिनोटेड एज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन डी IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन ई IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन जी IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन एम IgM। एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ हैवी चेन इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ सी रीजन। सी रीजन मीन्स कॉन्स्टेंट रीजन। लोकेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, हिंज रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन एंटीबॉडीज टू टाइप्स ऑफ चेन्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज हमारी होती है लाइट चेन एंड सेकेंड इज हैवी चेन। हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास आर डिजाइनेटेड बाई हमारे स्मॉल ग्रीक लेटर जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है टू द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज गामा हैवी चेन इन IgG। एंड IgM में हमारा म्यू हैवी चेन प्रेजेंट होता है। एंड अल्फा होता है हमारा इन IgA में, डेल्टा हमारा होता है इन IgD में, एंड एप्सिलॉन होता है इन हमारा IgE में। एंड डिफरेंट क्लासेज ऑफ एंटीबॉडी, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ एंटीबॉडी। फर्स्ट इज IgG, IgM, IgD, IgA एंड IgE। स्ट्रक्चरल कॉन्फिगरेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेज अ यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ द हार्मफुल एजेंट कॉल्ड एंटीजन बाय FAB वेरिएबल रीजन। मतलब अभी जैसे हमारा एंटीबॉडी होता है वो ईच, उसमें हमारा एक एंजाइम होता है पेपिन, जो क्या करता है, हमारा क्लीव करता है मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी की, और उसको वो क्या करता है टू फ्रेगमेंट में क्लीव कर देता है। एक तो होता है हमारा FAB फ्रेगमेंट एंड दूसरा होता है हमारा FC फ्रेगमेंट। जो हमारा FAB फ्रेगमेंट होता है वो क्या करता है, बाइंड करता है हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब जो हमारा जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, एक तो वो होता है हमारा वाई शेप, और वाई शेप में जो उसका टॉप का हमारा जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं FAB, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंड जो हमारी जो टॉप जो रीजन होता है उसको हम डोमेन भी बोलते हैं, और जिस साइट्स पे हमारा एंटीजन आके बाइंड करता है उस साइट को हम बोलते हैं पैराटोप, हमारी एंटीबॉडी की तरफ की जो साइट होती है। और जब हमारा एंटीजन बाइंड करता है तो जो एंटीजन की जो साइट होती है जो हमारी एंटीबॉडी से बाइंड कर रही है उसको हम कहते हैं एपिटोप। एंड जो इसमें हमारा FC रीजन होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टू कम्युनिकेट करने के लिए विद द अदर कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अबाउट 100 अमीनो एसिड लॉन्ग अमीनो टर्मिनल एंड्स ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन कंस्टिट्यूट देयर वेरिएबल रीजन एंड डिनोटेड एज वेरिएबल L एंड वेरिएबल H। वेरिएबल L मीन्स वेरिएबल लाइट चेन रीजन एंड वेरिएबल हैवी चेन रीजन। एंड द रिमेनिंग रीजन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट रीजन, डिनोटेड एज CH एंड CL। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव टू एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑल्सो कॉल्ड डोमेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको हम डोमेन भी बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट के लिए। एंड द लाइट चेन आर ऑफ टू टाइप्स, और हमारी जो एंटीबॉडी में हमारी लाइट चेन प्रेजेंट होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी कप्पा एंड होती है लैम्डा। एंड जब हमारा एंटीबॉडी किसी में हमारे में कप्पा चेन प्रेजेंट होती है और किसी में हमारी लैम्डा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। IgG इज़ अ मोनोमर
मोनोमेरिक इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो मोनोफॉर्म में होता है एंड मेकअप ऑफ 80% ऑफ द टोटल हीमोग्लोबिन एंड IgG इज द ओनली हमारी एंटीबॉडी होती है जो क्रॉस करती है ह्यूमन प्लेसेंटा को और प्रोटेक्ट करती है फिर हमारे न्यूबॉर्न को एंड जो लोकेशन है हमारी IgG की वो ब्लड में है लिम्फ में इंटेस्टाइन में है एंड द हाफ लाइफ इन सीरम होती है इसकी 23 डेज एंड मैंने आपको बताया ये ओनली हमारा एंटीबॉडी है जो ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारा फीटस को और न्यूबॉर्न को और इसका फंक्शन होता है एनहांस करते हैं फेगोसाइटोसिस को न्यूट्रलाइज करता है हमारा टॉक्सिन्स को। नेक्स्ट है हमारा IgM हमारा एक हमारा पेंटामेरिक फॉर्म में होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है और जो हमारा IgM है वो सीरम में उसमें हमारा 5-10% प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन में और जो लोकेशन है इसकी ब्लड लिम्फ और बी सेल सरफेस पे जो हाफ लाइफ है इन सीरम में IgM की वो 5 डेज है और ये हमारे ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है सिर्फ ओनली हमारा IgG करता है और जो फंक्शन IgG हमारे M का है वो ये क्या करता है फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन जो सबसे पहला हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है जब इन्फेक्शन होता है जब फॉरेन पार्टिकल इंजेक्ट होता है तो सबसे पहला हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो IgM होता है और इफेक्टिव अगेंस्ट होता है माइक्रोब्स एंड एग्लूटिनेटिंग एजेंट्स के। IgA एंड द स्ट्रक्चर ऑफ IgA इज डाइमर एंड द परसेंटेज ऑफ सीरम एंटीबॉडीज होती है इसमें 10-15% और हमारा जो IgA होता है वो उसमें वो भी उसके भी टू सब क्लासेज होते हैं एक होता है हमारा सीरम IgA और सेकंड होता है हमारा सिक्रीटरी IgA जो सीरम IgA होता है वो प्रेजेंट होता है 20% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन इन सीरम में एंड जो सिक्रीटरी होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है इम्यूनोग्लोबिन होता है इन सलाइवा में मिल्क में मिल्क में हो गया आपका और सिक्रीशंस में और जो इसका जो हाफ लाइफ होती है सीरम में होती है 6 डेज और जो फंक्शन है इसका मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट करता है ये कॉलोराइजेशन बाय पैथोजेंस। नेक्स्ट है IgD जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मोनोमर होता है और जो परसेंटेज होती है इसकी सीरम में वो काफ़ी लो होती है और इसकी जो हमारी है होती है 0.2% इन सीरम में जो इसकी लोकेशन है वो बी सेल सरफेस है ब्लड है लिम्फ है और हाफ लाइफ इन सीरम इज 3 डेज एंड द फंक्शन ऑफ IgD इज हमारा है मेनली ये वर्क हमारा एक्ट करता है एज एन एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल दैट हैव नॉट बीन एक्सपोज टू एंटीजन्स। IgE एंड द स्ट्रक्चर ऑफ IgE इज मोनोमर एंड द परसेंटेज ऑफ सीरम एंटीबॉडी तो हमारी काफ़ी लो होती है पर जो सीरम में वो होती है 0.002% एंड IgE हमारा इन्वॉल्व होता है इन हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी में एंड इसकी हाफ लाइफ होती है 2 डेज फंक्शन मैंने आपको बताया अभी एलर्जी रिएक्शन कॉज करता है और पॉसिबली लाइसिस ऑफ वॉर्म्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।